सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पे सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हेलो गाइज, आज की सबसे बड़ी हम न्यूज़ कवर अप कर लेते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आती है आज, youtoday.com से निकल के आती है। देन यार, जो ये न्यूज़ है ये XRP के रिलेटेड है। तो यार, हम कह सकते हैं XRP ने पूरे सितंबर वीक के अंदर, यानी कि मंथ ऑफ सितंबर में, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है अपने ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स को। बेसिकली उसी के बारे में ये थोड़ी न्यूज़ है। तो थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इस न्यूज़ का, देन जानते हैं इस न्यूज़ से हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपनी क्रिप्टो मार्केट में। तो सबसे पहले यार, हम देखिए XRP ने जो दिखाया है, एक्सप्लोजिव प्राइस परफॉर्मेंस दिखाई है। एक अच्छी खासी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है XRP के अंदर, और इसने जो है अपना मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट बनाया ये सितंबर के मंथ के अंदर। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में XRP ने टॉप वन की रैंक पे आया है, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है अपने ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को दोनों ने। ओके, तो थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इस न्यूज़ का। तो यार, आप जानते हो XRP ने जब अपनी रैली स्टार्ट करी थी, बेसिकली आप जानते हो यार, जो इसका मोस्ट रिसेंट विंग, जो इसका मतलब रिपल का जो अपवर्ड की तरफ प्राइस गया है बेसिकली अप ट्रेंड में, वो इसका जो कोर्ट की तरफ से, आप जानते हो यार, इसका एक वो चल रहा था, इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा इन डेप्थ बताता हूँ इसको। द मोस्ट रिसेंट बिग विन ऑफ रिपल इन कोर्ट फूल्ड येट अनदर प्राइस स्पाइक ऑन XRP। सो कोर्ट की वजह से इनकी एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ आई। ओके, तो इनमें इन्होंने एक अच्छा खासा, तभी हमें XRP के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है, विच मेड इट द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट। ठीक है, तो बेसिकली 24 आवर्स के अंदर अंदर भी हमें XRP के अंदर एक अच्छा खासा देखने को मिला है। ओके, तो यार, इसका थोड़ा अगर मैं इसका बैक XRP का थोड़ा बैक हिस्ट्री बताऊं, तो इसके ऊपर एक लॉ सूट फाइल केस करा गया था। ओके, तो उसमें इसके रिलेटेड कुछ समथिंग बताया गया था, वो मेरे को इतना नहीं पता है, बट इस एनालिसिस में मैं आपको बता देता हूँ, इस न्यूज़ के एनालिसिस में। तो इसमें बताया गया, जो हमारा US है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है, उन्होंने एनालिस करा गया कि जो इनके SEC ऑर्डर्स थे, ओके, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड थे, विलियम हैनन, इन्होंने बताया कि ये रिपल को, तभी इन्होंने एक अच्छा खासा विन पोजीशन में हमें दिखाया। ओके, तो यार, इसका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो डिस्पाइट ऑल द कमीशन अटेम्प्ट, जितने भी इनके कमीशन थे, यानी कि जितने भी इसके बारे में कोर्ट में चल रहा था जो भी बातें, वो सब वहाँ पे बताई गई। ओके, देन रिपल ने इसमें विन करा इस प्रोसेस को, यानी कि जो दो कोर्ट के बीच में जो इनकी वापस से वो चल रही थी, फाइट चल रही थी। ओके, तो रिपल ने उस कोर्ट में जीत गया, और जज ने फाइनली इसको अप्रूव करा। ओके, इसकी सिक्योरिटी के रिलेटेड, और इसके अवॉइड करा कि इसके रेगुलेटरी को क्रैक डाउन करे। ओके, SEC से। ओके, तो यही इसमें करंट सिनेरियो इसमें प्लेस हुआ, कि कॉइन्स जो है हमारा एक लॉट्स ऑफ मार्केट पार्टीशन बन गया, एंड XRP में एक अच्छी खासी हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। ओके, और अगर हम इसको टेक्निकल परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो XRP में ब्रेक आया हमें। ओके, इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, उसने उसको ब्रेक करा, यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज को। और आप जानते हो, 200 वैसे मूविंग जो एवरेज है, एक बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड वाला इंडिकेशन देता है 200 मूविंग एवरेज। और उसी टाइप से फिर हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिवनेस देखने को मिला XRP की मार्केट में। ओके, द सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू इनक्वायरिंग अबव द EMA विल बी गिव द XRP पॉसिबिलिटी और रैलिंग अपवर्ड इन द फाइनली ब्रेक ऑलमोस्ट 2 ईयर डाउन्स। सो गाइज, यार, आप जानते हो XRP हमारा 2 साल से ही डाउन था, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में ही कह सकते हैं। देन यार, इस न्यूज़ के बाद जब हमें कोर्ट में लगा कि यार, कोर्ट में मतलब इनकी हुई थी कोई बात वगैरह, हो गई थी इन पे, फिर लॉ सूट करा गया था, तो वहीं से XRP जीत गए। ओके, XRP का जो केस चल रहा था, XRP वाले जीत गए हैं। तो जितने भी इसकी कम्युनिटी है, इसमें फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश हुई, और सितंबर मंथ के अंदर हमें एक अच्छा खासा इसमें बुलिश मूव देखने को मिला है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो इथेरियम है, वो पैसिव के लिए डेंजरस हो सकता है, अगर आप इसके अंदर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इथेरियम में अभी के महीने में, ऐसा ये न्यूज़ बता रहे हैं। ओके, तो आप जानते हो, कुछ एसेट ऐसी है जो रैलिंग कर रही है, और कुछ एसेट ऐसी है जो एक्सट्रीमली पैसिव प्राइस परफॉर्मिंग कर रही है। ओके, और ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं करंट मार्केट की सिचुएशन देख के। ओके, तो आप जानते हो, जब मार्केट में रीबाउंड आया, तो हमने देखा कि
कुछ एसेट्स से जो गेन बैक कर गए और कुछ एसेट्स से जो अभी भी करेक्शन ले रहे हैं। ओके, तो जिसमें इनमें आप जानते हो लैक ऑफ मूवमेंट दिखी, यानी कोई मूवमेंट ही नहीं दिखी, एक तरीके से कंसोलिडेशन दिखा। और हम कह सकते हैं यार, जो हमारा इथेरियम था इसके अंदर भी हमें यार कोई अपट्रेंड देखने को नहीं मिला। बेसिकली क्रूशियल जो कह सकते हैं हम इसको, एज ए इसके जितने भी होल्डर्स हैं ये बता रहे हैं, तो इसमें अभी हमें कोई स्पाइक देखने को नहीं मिल रही है। और यार अगर हम इसको पैसिव तरीके से देखें ना, तो ये आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दे सकता जब तक इसके अंदर हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। ओके, तो यार अगर हम इसको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें देखते हैं कि लास्ट 8 डेज से हम देखें तो इथेरियम का जो प्राइस है वो एक सेम लेवल पे ही चल रहा है। इंट्राडे वॉलिटिलिटी भी बेसिकली हमें इसमें देखने को मिल रही है, और इसकी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड क्वेश्चनेबल प्राइस परफॉर्मेंस भी मर्जिंग अपडेट के बाद भी वही हमें इसके अंदर डिक्रीजमेंट ही देखने को मिल रहा है। ओके, देन द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है अभी भी ये मार्केट के अंदर, और जो भी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसके अंदर हमें थोड़ा लैक ऑफ देखने को मिला है, यानी कि जितने भी हमारे ट्रेडर्स वगैरह थे इथेरियम में अभी ये ट्रेस नहीं कर रहे हैं इथेरियम को, तो कि यार हम कह सकते हैं इथेरियम में ये बहुत गंदी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है। ओके, देन XRP हमारा पॉजिटिव रहा है इस पूरे मंथ में, सितंबर के मंथ में। देन यार जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है वो प्राइस प्रेडिक्शन के रिलेटेड निकल के आती है। देन यार आप जानते हो XLM जिसका फुल फॉर्म है स्टेलर, इसका प्राइस प्रेडिक्शन करा गया है, और इसमें बताया गया जो हमारा XLM था ये अराउंड 6% अप था, और अब इसको मे बी इन्वेस्टर और जो ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े एनालिसिस वाले ये कह रहे हैं कि एक अच्छा खासा में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है स्टेलर में। ओके, देन यार ये जो सोर्स निकल के आता है unsplash.com वेबसाइट से निकल के आता है, देन क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट्स ने इसको यहाँ पे पब्लिश करा है अपनी न्यूज़ सेक्शन में। ओके, तो इसमें बताया गया जो अभी प्राइस चल रहा है स्टेलर का वो आज के मार्केट के हिसाब से अराउंड 0.138 के करीब चल रहा है, और इसके अंदर हम कह सकते हैं यार ज़्यादा पोटेंशियल है अभी हाई जाने का, तो मे बी एक अच्छे खासे आपको कंसोलिडेशन फेज यानी कि डीप में मिल रहा है, तो आप बाइंग वगैरह कर सकते हो इसके अंदर एक अच्छी खासी। और अगर हम इसका क्लियर एक मतलब डेली चार्ट पे देखें ना, तो हमें एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है XLM में, तो हम कह सकते हैं ऑल ओवर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो XLM के अंदर हमें बेसिकली एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यार एक जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर एनालिसिस वालों ने ड्रॉ करी गई, तो बेसिकली इसमें दिखाया गया कि एक अपट्रेंड ही है। और आप जानते हो यार कल ये 0.0106 के करीब था, देन और जिसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था यानी कि कल का 0.120 के करीब बनाया था, तो यार कल हमें इसमें बेसिकली कल 24 आवर्स के अंदर 12% का मूव देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हम कह सकते हैं इसको। ओके, देन यार इस टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइंस प्लस RSI का कंफर्मेशन के साथ ये स्क्रीनशॉट आपको दिया गया है। ओके, तो इसमें यही बताया गया। देन यार चलते आज की CMC मार्केट पर, देन करते हैं आज का कॉइन मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, जानते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। तो यार जो ग्लोबल मार्केट कैप है वो 938 बिलियंस के करीब चल रही है। देन यार हम कह सकते हैं मार्केट में आज एक कंसोलिडेशन फेज है, ना ऊपर ना नीचे। ओके, एक मार्केट एक सीधा एक न्यू रेंज फॉर्मेशन कर रहा है, देन थोड़ा सा हमें 0.09% का मूव हमें देखने को बेसिकली मिल रहा है। ओके, देन बिटकॉइन का देखें तो 0.26% अप है। ओके, प्राइस चल रहा है 19,345 के करीब। देन इथेरियम का देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तो 0.23% अप है, एंड 1,1327 के करीब प्राइस चल रहा है। देन XRP का देखिए तो 1.23% अप है, 0.479 के करीब प्राइस चल रहा है। देन मीम्स प्रोजेक्ट का देखिए तो 265% अप है। हम कह सकते हैं आज हमें बेसिकली मीम्स कॉइन्स के अंदर एक थोड़ा सा रैली देखने को मिली है, अप रैली, तो मे बी अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना लेते। देन डोज का देखें तो 0.06166 के करीब प्राइस चल रहा है, कल से हमें थोड़ा अबव देखने को मिल रहा है। देन शिबा में भी 1.10% का हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, एंड 0.00001125 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। ओके, तो यार हम देख लेते हैं ऑल ओवर जो मार्केट कैप है वैसे हमारी कंसोलिडेशन फेज में, ना नीचे ना ऊपर। ओके, तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का टेक्निकल एनालिसिस, देन करते हैं आज का ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान, बनाते हैं कैसे ट्रेड लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ग्लोबल इंडिसेस पे, तो देखते हैं S&P 500 में क्या चल रहा है। सो गाइस यार अगर आप S&P 500 को देखोगे, जो हमारा ग्लोबल इंडिसेस है बेसिकली अमेरिकन, तो इसके अंदर हमें यार एक बहुत गंदा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो ब्रेक आउट देखने के बाद तो हम कह सकते हैं यार जो ये इसका ये एरिया है यानी कि सप्लाई जो एरिया है इसका, बेसिकली जो डिमांड एरिया था वो सप्लाई एरिया बन चुका है। तो अब इसके नीचे अगर हमें मार्केट जाते हुए दिख सकती है, तो मे बी कल जो होगा हमारी जितने भी निफ्टी और बैंक निफ्टी यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट है वो डाउन जा सकती हो, और एज ऑलवेज हमारी क्रिप्टो मार्केट भी इनको फॉलो करके डाउन जा सकती है। ओके, देन DJI को देखें तो DJI भी अपने वापस से डिमांड जोन में आ रखा है, और हम एक कैंडल इसमें देखें ना तो एक अच्छी खासी मारुबुजो स्ट्रेंथ कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि जो भी ट्रेंड इसमें चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि इसके अंदर कल हमें बेसिकली डाउन ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। ओके, DJI मतलब निफ्टी को देखें यानी कि हमारी NSE को,
एनएससी में तो यार बेसिकली हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने के बाद एक अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि करेक्टिव वेव देखने को मिल रही है। देन यार अगर आप एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे तो हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ हमें हाई देखने को मिल रही है, यानी कि हम कल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल हमारी मार्केट डाउन जाने वाली है। ओके, एज अ 4 आवर के चार्ट एनालिसिस पे हम देखें तो देखो यार कल मार्केट हमारी डाउन ही रहेगी, तो हम कल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं प्लस रीटेस्ट के साथ। देन बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही पोजीशन बन रही है, एज अ इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है तो मे बी यार कल बैंक निफ्टी में वॉलीटिलिटी कम रहे। ओके, तो मे बी क्या देखते हैं कल का क्या रहता है। वैसे अपना करेक्टिव वेव की जो इसने पोजीशन है पूरी कर ली है, देन वापस से ये इंपल्सिव वेव पकड़ सकता है। ओके, देन अब करते हैं हम जानते हैं अपना एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी में। सो गाइस, बीटीसी जो भी प्राइस चल रहा है 19,349 के करीब चल रहा है, देन ये एक न्यू रेंज फॉर्मेशन कर रहा है अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो इसको। ओके, तो कल यार मार्केट में अगर हमें न्यू रेंज फॉर्मेशन इसका टूटते हुए दिखाई दे तो कल हम एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं इसके अंदर, और पॉसिबिलिटी यही है कि कल मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाए। ओके, तो देखो यार कल क्या होता है, ट्रेड ले सकते हो आप। ओके, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है कल, न्यू रेंज फॉर्मेशन बेसिकली हमें इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, देन इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं बता देता हूँ, जो इसका सपोर्ट रहेगा 19174 के करीब रहेगा। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट के बाद आप एंट्री कर सकते हो, देन यार एक्यूमुलेशन में भी कल हमें देखने को मिल जाए तो 19433 के करीब। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट के बाद आप एंट्री करके एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट कर लेना, ओके, रिस्क के साथ ही ट्रेड लेना, पर रिस्क कितना ट्रेड होना चाहिए तुम्हारा, 1% लेना एक ट्रेड के अंदर अपना कैपिटल का। देन इथेरियम को देखें तो इथेरियम में भी न्यू रेंज फॉर्मेशन हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। अगर इसके अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी कम है, देन यार अगर हमें कल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिलता है तो आप रीटेस्ट के बाद एंट्री कर सकते हो और एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। रीटेस्ट के साथ एंट्री कर लेना, देन इसका सपोर्ट और मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ इथेरियम का। मे बी जो इसका सपोर्ट रहेगा 1311 के करीब रहेगा, देन इसका रेजिस्टेंस रहेगा 1342.77 के करीब रहेगा। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट आते तो रीटेस्ट के बाद आप एंट्री कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बस रीटेस्ट के साथ एंट्री करना, ओके, सिक्योर एंट्री होती है, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो रख लेना अपना। तो एंट्री के साथ जब भी टारगेट हिट हो, 1:3 से 1:4 तक का इजीली आप टारगेट इसके अंदर अचीव कर सकते हो। देन XRP को देखें तो XRP में हमें प्योर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कल, यानी कि यार मैंने आपको अभी न्यूज़ में बताया था XRP की कि XRP में अभी FIR जो हुई थी, यानी कि 2-3 सालों से जो चल रहा है, तो XRP की न्यूज़ से हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। तो 13.10% का बेसिकली हमें इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है XRP में। ओके, देन अभी यार एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा है, तो अगर XRP के अंदर कल डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ तो रीटेस्ट के बाद आप एंट्री कर सकते हो। देन इसका सप्लाई एरिया जो रहेगा, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रहेगा इसका 0.46696 के करीब, देन रेजिस्टेंस रहेगा इसका 0.4880 के करीब। तो अगर इन दोनों के बीच में कहीं भी ब्रेकआउट आपको बेसिकली देखने को मिलता है, देन रीटेस्ट के साथ आप एंट्री कर सकते हो। बस फेक ब्रेकआउट से बचना, कैंडल क्लोज होने का वक्त देना। ओके, तो यही है अपना। तो XRP में भी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बन सकता है कल के मायने में देखे तो। देन यार शिप और डोज को देखे तो शिप के अंदर कल आज अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आया, एक अच्छा खासा तो बना ही होगा 2-3% तक का, बट वापस से न्यू रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। देन हम यार एक चीज़ और कह सकते हैं, इसने रीटेस्ट तो दिया लेकिन तब भी इसके अंदर हमें लॉस बुक होने को देखने को मिल सकता है। मे बी जिन्होंने अभी भी इसमें ट्रेड लिया होगा रीटेस्ट के साथ, तो यार रीटेस्ट के साथ भी कभी कभी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान फेल हो जाता है। तो इसके अंदर यार न्यू रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, देन यार अभी इसका जो हमारा एरिया रहेगा ट्रेड लेने का, वो अराउंड जब तक न्यू रेंज फॉर्मेशन में ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। ओके, देन सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जो रहेगा इसका 0.00001079 के करीब रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 0.00001127 के करीब रहेगा। तो मे बी यार कल मार्केट नीचे जाएगी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंट्री कर सकते हो और एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड अपने मैनेज कर लेना, और हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन में कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है। ओके, देन सप्लाई एंड इसका मैंने बता दिया है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद एंट्री करना आप शिप के अंदर भी। देन यार डोज का देखें तो डोज में अभी आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, यानी कि यार कुछ लोगों ने इसमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन से एग्जिट कर दिया होगा, यानी कि अपनी पोजीशन जितनी भी थी क्लोज कर दी होगी। देन यार अगर हम इसके अंदर अभी देखें तो न्यू रेंज फॉर्मेशन हो रहा है, देन रीटेस्ट करने आया ये,
प्रॉफिट अच्छा बनाया है, वापस से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मे बी यार अगर आपको थोड़ा सा उठाना है यहाँ पे, रिस्क उठाना है, तो आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। ओके, एक छोटा सा रिस्क टू रिवार्ड रख सकते हो अपने यहाँ पे, कैपिटल कम लेना क्योंकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है ये। और अगर आपको इंपेशेंट रहना है तो फिर कंसोलिडेट होने का वेट करो, जहाँ भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है रीटेस्ट के बाद आप एंट्री कर सकते हो। तो इसका भी मैं बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में बता देता हूँ इसका, जो मे बी अच्छा खासा इसका सपोर्ट जो रहने वाला है वो 0.06015 के करीब रहेगा। देन रेजिस्टेंस जो अभी है इसका 0.06160 के करीब है, जो कि अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट देखो यार, अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है तो मे बी यार ये सपोर्ट टूट जाए, ओके, और नीचे वाला हमारा सपोर्ट जो होगा वो काम आएगा, तो ठीक है। तो इसमें आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो डोज कॉइन के भी अंदर भी। तो यार दोस्तों, मैंने आज सारे कॉइन्स आपको बता दिए, और सारे आज हमारी रिजेक्टेड में, आज हमारे जितने भी लिस्ट में अप्रूव्ड है ये सारे कॉइन्स, तो आप ट्रेड बना सकते हो इनके अंदर। तो यार वीडियो में इतने, वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड बाय।